दोस्तों, ये लाइन मुझे बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन न्यू व्यूअर्स के लिए एक बार बता देता हूँ कि मैंने BSNL 4G अवेलेबल एरियाज़ का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिस सीरीज़ के थ्रू हर एक स्टेट में वो कौन से एरिया है जहाँ पर आज के डेट में BSNL 4G अवेलेबल है, उसके बारे में बता रहा हूँ। हर एक वीडियो में सिर्फ एक ही स्टेट के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पर BSNL 4G अवेलेबल एरियाज़ का नाम बता रहा हूँ, उसके साथ साथ उस स्टेट का कौन से वो एरिया है जहाँ पर 3G स्पीड आगे से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, और उसके साथ साथ कहाँ पर बहुत जल्दी BSNL 4G आने वाला है, उस स्टेट के कौन से एरिया पे आने वाला है, उसके बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, स्टेट वाइज एरियाज़ को जो मैं शॉर्ट लिस्ट करके बता रहा हूँ, ये आप लोगों का ही कमेंट और मैसेज और स्क्रीनशॉट के थ्रू मैंने शॉर्ट लिस्ट कर पाया है, जो जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों को स्टोरी दिया था कि आप कौन से एरिया पे कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, बताइए, उसके साथ स्क्रीनशॉट भी भेजिए कि आपके एरिया पे अभी BSNL 4G का स्पीड कितना है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, और बहुत सारे वीडियोज़ के नीचे कमेंट भी आता है, तो उसके थ्रू मैं ये सब कुछ बता पा रहा हूँ। आज का ये वीडियो इस सीरीज़ का 8th वीडियो होने वाला है, i8, ठीक है, 8 नंबर वीडियो होने वाला है। ऑलरेडी मैंने 7 स्टेट को कवर कर लिया है, जिसमें से वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 7 स्टेट को मैंने कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में केरला के बारे में बताऊंगा। हाँ दोस्तों, तो केरला के रहने वाले जितने भी लोग हैं, आज का ये वीडियो पूरा देखने के साथ साथ अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने भाई बहन, अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी केरला जो है साउथ की जगह में पड़ते हैं, और साउथ के जगह में BSNL का कस्टमर बेस सबसे ज़्यादा होने के नाते BSNL सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर ही करता है, और 4G जो है सबसे पहले साउथ के एरियाज़ में ही आएगा। तो केरला के बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर ऑलरेडी BSNL 4G आ चुका है, और बहुत सारे जगह पे 3G स्पीड आगे से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है कि BSNL 3G से ही आप दूसरे कंपनी का जो 4G है उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी BSNL 3G आगे रहेगा, इस तरह का स्पीड जो है केरला के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो केरला के रहने वाला है, आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, और केरला के रहने वाले जो लोग नहीं हैं, बाकी जो 7 स्टेट को मैंने कवर किया है, कर लिया है ऑलरेडी, उससे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। हर एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर जाके मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, BSNL 4G अवेलेबल एरियाज़ इस नाम का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हर एक स्टेट जो है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसी सारे स्टेट से भी बिलोंग नहीं करते, 8 स्टेट से बिलोंग नहीं करते, दूसरे किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका स्टेट का जो नाम है वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आपके स्टेट के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हैं, तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा उस वीडियो का। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, और कमेंट में आपके स्टेट का नाम मुझे लिखकर भेजिए, मैं आपके स्टेट के वो कौन सा एरिया है जहाँ पर BSNL 4G मिल रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों, अभी केरला के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, केरला के बहुत सारे एरिया है जहाँ पे मैं बताता हूँ 4G अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहला नाम आता है कोची। कोची में दोस्तों BSNL 4G अवेलेबल है। थ्रिसूर, TH RISSUR, थ्रिसूर। ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि केरला का जो साउथ के एरियाज़ का नाम है, आप सभी को पता ही है कि ये थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, उनके इस टाइप का होता है, तो ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो लोग केरला के रहने वाले हैं वो लोग समझ जाएंगे। तो उस दूसरे नंबर पर आता है थ्रिसूर। ठीक है, 3 नंबर पर आता है आलूपूजा, ALUPPUZHA, आलूपूजा। ठीक है, ऐसे करके है। उसके बाद है कोट्टयम, KOTTAYAM, कोट्टयम। ठीक है, उसके बाद है कन्नूर। ठीक है, उसके बाद है इड्डुकी, उसके बाद है इर्नाकुलर, ऐसा कुछ नाम है। उसके बाद है थिरुवनंतपुरम। ठीक है, उसके बाद है ये दोस्तों खोजीकोड़ा, KOZHIKODA, खोजी कोड़ा, ऐसा कुछ स्पेलिंग तो ऐसा ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अलग अलग 9 जगह है, 9 एरिया में, केरल के 9 एरिया में BSNL 4G अभी अवेलेबल है, और इस जो 9 जगह है ना, ये जो 9 जगह है, यहाँ पर 4G तो अवेलेबल है ही है, इसके आसपास के जगह पे भी 3G स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ से कोई कमेंट वगैरह नहीं किया, इसलिए मैं बता नहीं पाया, लेकिन केरला के अंदर दोस्तों ऑफिशियली भी बहुत सारे जगह के अंदर 4G अवेलेबल कर दिया गया है। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको पूरा केरला को कवर करता हुआ नजर आएगा BSNL 4G से, इस साल के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आज के डेट में
केरला को भी कवर कर लिया है। कल दूसरे किसी स्टेट के बारे में बताऊंगा, आपका स्टेट नीचे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके स्टेट के बारे में बताऊंगा कि आपके स्टेट के वो कौन सा एरिया है जहां पर BSNL 4G अवेलेबल है आज के डेट में। ठीक है, वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए, अपने केरला के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।